जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर एंड स्टीम सर्किट ऑफ सीएबीसी बॉयलर। यानी कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सीएबीसी बॉयलर में वाटर और स्टीम का जो सर्किट होता है, जो पाथ होता है, वो कैसा होता है। इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो डायग्राम आपको दिख रहा है। ये जो हो गया ये मेन डायग्राम हो गया, ठीक है, जो सीएबीसी बॉयलर जो एक्चुअली आपके फील्ड में आपके जो प्लांट में लगा होता है वो ये हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा डायग्राम, तो ये डायग्राम अलग है, ठीक है, यहाँ से लेके यहां तक। ये हो गया हमारा वाटर और स्टीम सर्किट का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, यानी कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो दोनों को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक एक करके समझेंगे और दोनों को कंपैरिजन करते हुए समझेंगे कि हमारा जो पाथ होता है वो कैसे होता है और एक्चुअली जो फील्ड में यानी कि जहां पे बॉयलर लगा होता है उसमें वो कैसा होता है। तो ये दोनों को कंपैरिजन करते हुए देखेंगे तो और भी अच्छे से आपका ये जो वाटर एंड स्टीम जो पाथ है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और रही बात एएबीसी का, तो एबीसी बोले या सीएबीसी बोले, आपका 90% जो होता है वो वाटर एंड स्टीम सर्किट जो है वो सेमी होता है, यानी किसी एक को भी कर लेंगे तो आपका जो ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग स्पेशली सीएबीसी के बारे में बात करेंगे, ओके। और साथ में देखेंगे कि इस कहां पर क्या प्रेशर होता है, क्या टेम्परेचर होता है, तो ये भी सब हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वाटर एंड स्टीम सर्किट ऑफ सीएबीसी बॉयलर, तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये हमारा मेन डायग्राम हो गया और ये जो हो गया ये वाटर एंड स्टीम सर्किट का पाथ हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि जो सीएबीसी बॉयलर के बारे में जो बेसिक जो डिटेल होनी चाहिए, इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, ताकि ये जो टॉपिक है ना वो आपके जब हम कंपेरिजन करके बताएंगे तो और भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये मेन डायग्राम हो गया और यहां पे पाथ हो गया। अब देखिए हमारा ये जो बॉयलर होता है हम लोग उसमें स्टीम का जनरेशन करते हैं, ओके, यानी वाष्प बनाते हैं, तो उसके लिए वाटर की जरूरत होगी, तो कहीं ना कहीं से तो हमारा वाटर आएगा। और हमारा ये पूरा जो पावर प्लांट होता है हम लोग जानते हैं कि ये क्लोज साइकिल होता है। क्लोज साइकिल करने का क्या मतलब है, यानी यहां पे वाटर का रीसर्कुलेशन होता है। वाटर जो है वो हमारे बॉयलर में आता है, वहां पे स्टीम का फॉर्मेशन होता है, फिर ये टर्बाइन में जाता है, फिर कंडेंसर में जाके वो कंडेंस होकर वाटर बनता है और वही वाटर जो है वो आपका सीपीबीएफपी होते हुए आपका फिर से बॉयलर में आता है और फिर से यही क्रिया जो होती है वो बार बार होती है। यानी कि ये हमारा जो साइकिल है ये क्लोज साइकिल है। तो यहां पे हम लोग स्पेशली जो बॉयलर में हमारा वाटर और स्टीम पाथ कैसा है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए हमारा जो ये बॉयलर, ये जो बॉयलर ड्रम आपको दिख रहा है यहां पर भी देखिए और यहां पर भी देखिए, ठीक है, ये एक्चुअल डायग्राम होता है और ये हमारा एक तरह से ब्लॉक डायग्राम हो गया। तो यहां पे ये जो हमारा बॉयलर ड्रम हो गया तो उसमें वाटर कहां से आता है, तो इसमें जो वाटर आता है आपका बीएफपी से आता है, यानी कि बॉयलर फीड पंप, बॉयलर फीड पंप के द्वारा हाई प्रेशर में आपका यहाँ पे आता है वाटर, ठीक है। तो अब बात आती है कि बीएफपी में वाटर जो वो जो सक करता है बीएफपी में उस पंप में वो कहाँ से आता है, तो वो लेता है डिएरेटर में, ठीक है। अब फिर डिएरेटर में कहाँ से आता है, तो यही जो आपका कंडेंसर में कंडेंस हुआ रहता है हॉटवेल में जो वाटर होता है वो सीपी के थ्रू एलपी हीटर होते हुए आपका डिएरेटर में आता है और फिर बीएफपी के द्वारा हाई प्रेशर में आपका ये ड्रम में पहुंचता है। कितना यहाँ पे प्रेशर होता है, तो यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा उसका कम से कम 20% यहाँ पे बीएफपी डिस्चार्ज प्रेशर ज्यादा होगा तभी ये जो वाटर है वो इतना हाइट तक पहुंच पाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे चूंकि हमारा ड्रम क्या होता है हाइट पे होता है, तो उस हाइट पे पहुंचाने के लिए ये जो 20% यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो बॉयलर दिया गया है इसका जो वर्किंग प्रेशर है, ठीक है, वो 90 kg/cm² है, ओके। और जो इसका जो मेन स्टीम जो टेम्परेचर है उसका जो है वो 520 °C है, ±5, ठीक है। तो 520 हो गया टेम्परेचर और 90 kg/cm² जो हो गया उसका वर्किंग प्रेशर हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ड्रम का जो प्रेशर है वो 80 kg है, ओके। तो 80 kg यहाँ पे है तो बीएफपी डिस्चार्ज प्रेशर कितना होगा, लगभग कम से कम 20% ज़्यादा होगा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 20% तो होगा, यानी कि यहाँ पे आपका 96 kg/cm² जो होगा वो डिस्चार्ज प्रेशर होगा, ओके। अब देखिए डिएरेटर में हमारा डिएरेटर से जो वाटर आता है उसमें ऑलरेडी हीट एक्सचेंज होकर आता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना मिलेगा, तो लगभग आपको 130 से 140 डिग्री के आसपास यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर ऑलरेडी रहेगा। फिर ये बीएफपी के डिस्चार्ज से ये जो वाटर आएगा वो सीधे आपका एफसीएस में आएगा, यानी कि
फीड कंट्रोल स्टेशन में आएगा और यहीं से थ्रू आपका फिर इकोनोमाइजर में जाता है। तो ये FCS जो होता है, इससे पहले जैसे बड़ों प्लांटों में आप देखेंगे तो इससे पहले यानी कि BFP के बाद और FCS से पहले आपका HP हीटर भी लगा होता है, वहां पर भी हमारा जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, बाय द हीट एक्सचेंजिंग ऑफ स्टीम, और वो जो स्टीम होता है वो आपका टर्बाइन के स्टेज से लिया हुआ रहता है। ओके, सपोज कीजिए कि अगर नहीं लगा हुआ है तो आपका ये जो 140 का जो टेम्परेचर मिला ये फिर आपका FCS में आएगा। FCS में आप देखेंगे ये वाला चीज, देखिए कि आपका यहाँ पे आपको तीन लाइन दिखेगा। ओके, यहाँ पे भाग दिखेंगे तीन ठो मेन, तो आपका वहां पे हर एक भाग का अलग अलग नाम है। जैसे पहले वाले को बोलते हैं 30%, जो आपको देखने में छोटा दिखेगा वो हो गया 30%, दूसरा को 100% कहा जाता है और तीसरे को 100% का बाईपास, या कहीं कहीं आपका 100 को 100% ए कहा जाता है और दूसरे को 100% बी कहा जाता है। 30% का यूज वहां पे करते हैं जहां पर हमारा मान लीजिए रनिंग के दौरान अगर बॉयलर लोड है, जितना भी मैक्सिमम इसका MCR है उससे अगर 30% है तो आपका ये वाला जो 30% है वो लाइन में रहेगा, या ड्यूरिंग स्टार्टअप हमारा क्या होता है वाटर का रिक्वायरमेंट कम होता है तो उस समय भी 30% का यूज किया जाता है। लेकिन नॉर्मल रनिंग के दौरान जब हमारा बॉयलर 50% के अबव चलता है या फुल लोड पे चलता है तो उस समय हम लोग 100% ए को लाइन या बी को लाइन, किसी एक को लाइन में रखते हैं। बाय द वे अगर कोई एक किसी में अगर माल फंक्शन कर गया, प्रॉब्लम आ गया तो दूसरे वाले को लाइन में ले सकते हैं जो भी स्टैंड बाय में है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे तीन ठो दिया रहता है। फिर इसके बाद हमारा जो वाटर आता है वो आपका इकोनोमाइजर इनलेट में आएगा, ठीक है। यहां पे इकोनोमाइजर इनलेट वाल्व होता है और उसका एक बाईपास भी होता है और ये फिर अपना इकोनोमाइजर आया। ओके, अब देखिए इकोनोमाइजर यहां पे कहां पे है, तो यहां पे ये प्राइमरी सुपर हीटर के नीचे और APH के बीच में आपका इकोनोमाइजर होता है। तो यहां पे आपका इकोनोमाइजर में जो है वो वाटर इन किया। ओके, अब ये वाटर जैसे ही इन करेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा, हमारा फर्नेस में कंबशन हो रहा, फ्यूल जल रहा और फ्यूल का जितना भी फ्लू गैस है वो इसी पास से होते हुए चिमनी के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो यानी कि फ्लू गैस का टेम्परेचर यहाँ पे हाई है और वाटर का टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा, आपस में हीट एक्सचेंजिंग होगा, यानी कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वाटर का टेम्परेचर बढ़ के यहाँ पे लगभग कितना हो जाएगा, तो आपका 200-250 के आसपास, आपका 250-260, ठीक है, यहाँ पर आसपास में आपका रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई भी अगर पैरामीटर की बात हो रही है तो ये एग्जैक्ट आपके जो बॉयलर है वो उस पर हो सके मैच नहीं करेगी, यहाँ पे एक एवरेज डाटा ली जा रही है जिससे हम लोग ये टॉपिक को अच्छे से कवर कर सके, समझ सके, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो बॉयलर का डिजाइन, वर्किंग प्रेशर और टेम्परेचर कितना है। ओके, तो एक एवरेज डाटा यहाँ पे लिया जा रहा है। ओके, तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा 250 डिग्री जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया और 250 डिग्री पे भी ये हमारा जो वाटर है वो वाटर के फेज में ही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका हीट ऐड होता है वो सेंसिबल हीट ऐड होता है, ठीक है। हर एक प्रेशर के रिस्पेक्ट में एक सेचुरेशन टेम्परेचर होता है और जब तक वो सेचुरेशन टेम्परेचर अचीव नहीं कर जाएगा, पहुंच नहीं जाएगा, तब तक वाटर जो है वो स्टीम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेशर था वो इसका वर्किंग जो प्रेशर है वो 90 kg है, तो 90 kg में सेचुरेशन जो टेम्परेचर होता है आप स्टीम टेबल से देखेंगे तो 301 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 300, ये जो वाटर जो गया जैसे ही 301 डिग्री पर अगर पहुंच जाएगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इकोनोमाइजर में हमारा जो वाटर होता है वो वाटर के फेज में ही रहता है, वहां पे स्टीम नहीं होता है, जबकि उसका टेम्परेचर जो है वो 250-270-260 के आसपास होता है, तो उसको कहा जाता है सेंसिबल हीट, यानी कि यहां पर जो उसने फ्लू गैस से हीट को गेन किया वो होता है सेंसिबल हीट। ओके, तो इसको याद रखिएगा। अब यहां पे इसके थ्रू हो गया हमारा पे इकोनोमाइजर आउट हुआ, ठीक है, यहां से इकोनोमाइजर आउट हुआ, फिर उसके बाद वो ड्रम में गया, ठीक है। देखिए यहां से वो यहां पे, यहां ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये मेन डायग्राम हो गया, तो मेन डायग्राम में आप देख रहे हैं यहां पे ये ड्रम में यही इकोनोमाइजर आउट होकर यहां से इन किया। ओके, तो यहाँ पे इन किया। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा इस बॉयलर ड्रम में वाटर जो होता है वो 50% वाटर होता है और 50% स्टीम है, तो अब वाटर जो क्या होगा, ये पूरे ये डाउन कमर के थ्रू, जो ये डाउन कमर देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, चाहे यहाँ पे देखिए, तो ये डाउन कमर के थ्रू आपका पूरे जो फर्नेस का जो वाटर वाल्व होता है उसमें आपका फिलअप हो जाएगा, ठीक है, नीचे से जाएगा आपके यहाँ से होते हुए ये नीचे से फिलअप करेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे कंबशन हो रहा है, ठीक है, हीट जनरेट लगभग यहाँ पर 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर,
ठीक है, प्लस माइनस 50 आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये हीट को गेन करेगा, जो भी वाटर है, वाटर पहले ही प्री हीट में है, यानी उसका 250 डिग्री टेम्परेचर के आसपास उसका पहले ही टेम्परेचर है। अब जैसे ही थोड़ी बहुत हीट को गेन करेगा, यानी कि यहाँ पे वो लेटेंट हीट को गेन करेगा, तो ये तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ फेज चेंज होता है, और जहाँ पर हीट को गेन करने के बाद फेज चेंज होता है तो उसको कहा जाता है लेटेंट हीट। तो यहाँ पे फर्नेस में जो लेता है वो होता है लेटेंट हीट, और आपका यहाँ पे जो इकोनोमाइजर में लेता है वो होता है सेंसिबल हीट। तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ये लेटेंट हीट को लिया तो वाटर क्या हुआ, हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो गया। और आप घरों में देखे होंगे कि जैसे ही हम लोग वाटर को गर्म करते हैं बर्तनों में तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो ऊपर जाने लगता है, ठीक है, ड्यू टू लाइट वेट या डेंसिटी आप बोल सकते हैं कि उसका डेंसिटी जो होता है वो कम होने लगता है, तो वो ऊपर जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा स्टीम कन्वर्ट हुआ, ये इसका डेंसिटी कम होगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, और जो हमारा वाटर है उसकी डेंसिटी हाई है तो वो नीचे रहेगा। तो एक तरह से उनमें डेंसिटी डिफरेंस उत्पन्न होगा, और इसी डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो होता है हमारा वाटर स्टीम जो है वो इस राइजर के थ्रू, ये ऊपर से दिखाया गया, एक्चुअली ये सामने में मिडिल से रहता, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये राइजर के थ्रू ये ड्रम में चला जाता है, तो ये और इसी को कहा जाता है नेचुरल सर्कुलेशन, जो हमारा डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो स्टीम जो आपका ड्रम में गया, ओके। तो ये राइजर के थ्रू गया, और राइजर कई सारे लगे होते हैं, ये डायग्राम में एक दिखाया गया है, ओके। तो यहाँ पे आपका राइजर के थ्रू गया, और यहाँ पे जो हमारा स्टीम जो फॉर्मेशन हुआ था वो वेट स्टीम था। अब ये जो वेट स्टीम था इसको तो हम लोग डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रम में हमारा जो है वो साइक्लोन सेपरेटर लगे होते हैं, इसी के द्वारा जो होता है वो हमारा ड्राई स्टीम जो होता है सेपरेट होकर यहाँ से आउट हो जाता है, जिसको सेचुरेशन लाइन कहा जाता है। और ये सेचुरेशन लाइन आउट होकर, यानी जो हमारा ड्राई स्टीम होता है उसको हम लोग फिर से सुपर हीट होने के लिए, यानी उसका टेम्परेचर और राइज पूरी अच्छी तरह से उसको और भी ड्राई करने के लिए उसको सुपर हीटर में भेजा जाता है, जिसमें वो पहला जो जाता है वो प्राइमरी सुपर हीटर में जाता है, ठीक है, इस प्राइमरी सुपर हीटर में। और ये यहां पे देखेंगे प्राइमरी सुपर हीटर यहां पे लगा हुआ है, और इस ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे तो ड्रम के बाद प्राइमरी सुपर हीटर है। सीएबीसी बॉयलर में आप देखेंगे कि ड्रम से पहले आपका और भी कई सारे पास से होकर वो गुजरता है, जैसे सीओडी होते हुए, कन्वेक्शन केज होते हुए वो आपका प्राइमरी सुपर हीटर में आता है। सीओडी यानी कि आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न वाला नहीं समझिएगा सीओडी, यहां पे सीओडी कहने का मतलब है क्रॉस ओवर डक्ट, ये जो ये वाला जो आपका डक्ट दिखता है ये इसी को कहा जाता है सीओडी, यानी कि क्रॉस ओवर डक्ट, ओके। तो ये होते हुए कन्वेक्शन के होते हुए आपका ये प्राइमरी सुपर हीटर में पहुंचता है, और फिर वही बात आ गई, प्राइमरी सुपर हीटर में भी ये ट्यूब के अंदर आपका स्टीम होता है, यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब्स लगे होते हैं, और यहाँ पे आपका ट्यूब के अंदर स्टीम है, और बाहर में क्या है, फ्लू गैस है, फ्लू गैस का टेम्परेचर हाई है और स्टीम का कम है, तो वहाँ पर भी हीट एक्सचेंज होगा, और हीट एक्सचेंज होने के बाद वहाँ पर कुछ स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वहाँ पर लगभग कितना स्टीम टेम्परेचर बढ़ेगा, तो देखिए ड्रम से जो आउट होता है तो लगभग आपका 300 प्लस होता है, यानी 300 से 310 तक समझिए, ओके ओके। आप देखिए अपना जो यहाँ पे प्राइमरी सुपर हीटर में कुछ हीट को गेन करेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे आपका 400 प्लस यानी 410 के आसपास, यहाँ पे समझ लीजिए कि प्राइमरी सुपर हीटर आउटलेट में, प्राइमरी सुपर हीटर को कई जगह आपका LTSH भी कहा जाता है, यानी लो टेम्परेचर सुपर हीटर। और अब फिर इसके बाद ये चला जाएगा सेकेंडरी सुपर हीटर में, तो सेकेंडरी सुपर हीटर प्राइमरी सुपर हीटर के बाद है, लेकिन आप एक्चुअल डायग्राम में देखेंगे तो वो यहाँ से आपका ठीक यहाँ पे आता है, ठीक है, जो हमारा फर्नेस का फर्स्ट पाथ में ऊपर में टॉप में लगा होता है, इसको स्क्रीन सुपर हीटर भी कहा जाता है, या सीएबीसी बॉयलर में आप देखेंगे तो इसको विंग वॉल सुपर हीटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको तीनों नाम से पुकार सकते हैं, सेकेंडरी, स्क्रीन या विंग वॉल सुपर हीटर। फिर यहां पर ये आएगा, तो यहां पर भी यहां पे फ्लू गैस का टेम्परेचर हाई है, तो इससे भी ये हीट को गेन करेगा, और यहां पर आपका टेम्परेचर जो इसके आउटलेट में आ जाएगा लगभग 450 के आसपास आ जाएगा, ओके, प्लस माइनस 10-20 आप ले सकते हैं, ओके। तो ये लगभग इतना आ गया। फिर इसके बाद ये कहां जाएगा, तो इसके बाद ये जाएगा फाइनल सुपर हीटर, जो ये टॉप में लगा हुआ, फिर वहां पर भी वही हुआ, ट्यूब के अंदर आपका स्टीम है और बाहर में आउटसाइड में आपका फ्लू गैस है, ठीक है, यानी जो ये कंबशन हो रहा उसका वो वहां पे धुआं है, तो उसका जो फ्लू गैस है उसका टेम्परेचर वहां पर भी हाई है, तो क्या होगा, यहां से भी हीट एक्सचेंज होगा और स्टीम का टेम्परेचर और राइज है, राइज करेगा, तो जैसे ही राइज करेगा तो जो भी हमको डिजायर्ड टेम्परेचर है वो मिलेगा, ओके। यहां पे जैसे 520 है तो वो 520 डिग्री मिलेगा। इनकेस समझिए कि किसी भी कारणों से अगर हमारा जो स्टीम का टेम्परेचर है
वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम लगा होता है, उसको कहा जाता है एयर टेम्परेचर सिस्टम। यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में कि इससे एक जो बीएपी जो डिस्चार्ज लाइन है इससे एक टैपिंग ले लिए और यही वाटर को क्या किया जाता है, ये जो सेकेंडरी सुपर हीटर है वो इसके इनलेट में और आउटलेट में दो जगह पे स्प्रे किया जाता है। इसकी मदद से क्या होता है कि वाटर जो है स्टीम जो है उसका टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। फिर जैसे ही फाइनल सुपर हीटर आउटलेट में हम लोग को जैसे ही ये प्रेशर और टेम्परेचर मिल जाता है तो फिर हम लोग इसको टीजी के लिए भेज देते हैं। आप उसके बाद देखेंगे फाइनल सुपर हीटर के बाद तो ये वाला जो भाल आपको दिखेगा ओके बड़ा सा वो आपका एमएसएसवी होता है और इसके साइड में ही आपको एक छोटा दिखेगा जिसको एमएसएसवी बाईपास कहते हैं। बाईपास का यूज कब किया जाता है यहाँ पे, तो देखिए जब भी इनिशियली जब हम लोग इसको लाइन में लेते हैं तो ये वाला यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से जब आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये पूरा लाइन गर्म है लेकिन इसके बाद तो लाइन पूरा ठंडा होगा ना, तो आपका ये क्या करेगा अगर हम लोग डायरेक्ट इसको अचानक खोल कर लेंगे तो इसमें थर्मल शॉक लगेगा, ठीक है, तो उस थर्मल शॉक से बचने के लिए थर्मल शॉक ना लगे कोई डैमेज ना हो इसी वजह से इसको हम लोग बाईपास को खोलते हैं और स्टीम को धीरे धीरे लेकर इसको चार्ज करते हैं। चार्ज यानी ठीक है ये वो बत्ती वाला चार्ज नहीं ओके, तो वो आपका इसको चार्ज करने का मतलब है कि इस लाइन को हीटिंग करते हैं धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं और जैसे ही आपका गर्म होने के बाद लगभग टेम्परेचर सेम हो जाता है फिर इसको हम लोग एमएसएसवी को धीरे धीरे खोल के लाइन में लेते हैं और फिर टीजी के लिए भेजते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इस बॉयलर में सीएबीसी बॉयलर में आपका वाटर आया और वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो ये हो गया वाटर एंड स्टीम सर्किट ऑफ सीएबीसी बॉयलर। तो आई होप कि ये आज का जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।